ठीक है और बाद में हमारी जो मतलब वो बात हुई थी सपोर्ट और रेजिस्टेंट वाली मतलब वो मल्टी टाइम फ्रेमिंग एनालिसिस ठीक है हो सके तो वो भी टाइम हो तो ठीक है और कुछ बस और थोड़ा अरुण में देखना है सर फ्राइडे और आज का दिन थोड़ा मुझे मतलब मतलब डिफॉल्ट सिग्नल दिख रहा है शायद मेरा अच्छा? कमी भी हो सकती है तो एक नहीं, बार, कमी नहीं आप देखो ऐसा कुछ नहीं होता एक बार सिस्टम कहीं ना कहीं आके पिटता है ठीक है सर हो सकता है हाँ, मैंने इसमें वॉच नहीं किया मैंने लेकिन चलो देख लेंगे समय के ऊपर है बहुत सारी चीजें जो आज हमें डिस्कस है गाइस ठीक है ना तो ठीक है ठीक है ना एक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा आज आपको एंड में ठीक है सर तो सर चलो स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों से गाइस तो सबसे पहले राजेश सर ने कहा सी ग्रुप के बारे में बताएं तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि अगर आपको एनालिसिस करनी हो बैंक्स की पोजीशंस वगैरह देखनी हो जो कि हमने गोवा में आप लोगों को बताया था तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं ताकि जितने भी लोग नए हैं वो भी इसमें सीख सके और जितने लोग पुराने हैं उन लोगों का रिविजन हो सके वापस तो दोस्तों यहाँ पे हम दो चीज करते हैं जब हम इंडियन मार्केट्स में काम करते हैं तो जो लोग इंडियन मार्केट से रिलेटेड हैं उन्होंने सुना होगा ऑप्शंस ऑप्शंस मार्केट 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 के 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 बारे 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 में बारे में में किस उन्होंने सुना होगा अब ऑब्वियस ही बात है कि ऑप्शन मार्केट को समझना सिर्फ एक घंटे का या एक महीने का खेल नहीं है कई बार ऑप्शन को समझने में साल दो साल लग जाते हैं ठीक है इतना जल्दी समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है ऑप्शंस लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से और इसको एक नए तरीके से हम लोग सीखेंगे ताकि हम ये जान पाए कि बैंक्स की क्या कैसे क्या पोजीशंस हैं किस लेवल पे पोजीशंस हैं ठीक है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं ऑप्शंस मार्केट के बारे में बताऊंगा आपको इसको इंडियन मार्केट के ऑप्शन से कंपेयर नहीं करना है ठीक है इसको उससे रिलेटेड ही है सिमिलर है कुछ अलग नहीं है लेकिन इसको मैं कुछ अलग तरीके से थोड़ा सा बेसिक्स बिल्कुल ही बेसिक्स तरीके से इसको मैं आपको बताने जाऊंगा और इसका कैसे बेनिफिट होता है क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट्स के अंदर इंस्टीट्यूशन होते हैं अंदर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वेल्दी पीपल्स होते हैं वो सब लोग ऑप्शंस के अंदर ही ट्रेड करते हैं हमारे जो स्पॉट मार्केट के अंदर एम टी फोर में हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो ट्रेडिंग वो लोग नहीं करते ठीक है तो देखो ऑप्शन मार्केट के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं मार्केट के अंदर जो लोग इंडियन मार्केट के जानते हैं वो ठीक है जो लोग नहीं जानते आप ये समझो कि दो तरह की चीजें हैं हमारे पास दो तरह के प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर एक बुल्स होते हैं एक बियर्स होते हैं इनके अलावा कोई और होता है क्या बुल्स और बियर्स के अलावा बुल्स का मतलब तेजी खेलने वाले लोग बियर्स का मतलब सेलिंग करने वाले लोग यानी मंदी खेलने वाले लोग इसके अलावा कोई और आदमी है क्या मार्केट के अंदर दो ही तरह के लोग होते हैं मार्केट के अंदर या तो बाय करने वाले या सेल करने वाले एक तीसरी कैटेगरी होती है ना कुछ करने वाले जो कुछ भी नहीं करते तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके कुछ ना करने से कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट के अंदर मार्केट में या तो बाय करने, करने से कुछ होता है या सेल करने से कुछ होता है ठीक है तो हम बात करेंगे बुल्स की एंड बियर्स की तो अब ऑप्शन के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं एक होता है कॉल एक होता है पुट एक होता है कॉल एक होता है पुट अब सीधी सी बात है इसके डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा नहीं तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा आप ये समझो कि कॉल का मतलब है रेजिस्टेंस, कॉल का मतलब है रेजिस्टेंस पुट का मतलब है सपोर्ट अब मान के चलो मेरे को मैं एक बैंक हूं और मेरे को

दिस वीडियो इज रिकॉर्डिंग और को, को भी अगर recording आप लोगों को चाहिए होगा तो यू कैन आंसम ऑन यूट सर उसकी लिंक लिंक आपको बुलबेल से मिल जाएगी तो मे बी आज रिकॉर्डिंग okay. होके जब मैं उनको प्रोवाइड करा दूंगा तो उसके बाद ये कल मॉर्निंग में शायद अपलोड करेंगे तो आई डोंट हैव एनी आईडी कि कब अपलोड करेंगे लेकिन आप जो जैसे भी चाहे रिकॉर्डिंग इनसे ले सकते हैं आप ठीक है सर यस सर तो आई होप लोग जितने आने थे आगे चालू करते हैं तो मैं बोल रहा था आपको दो तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर एक बुल्स होते हैं एक बियर्स होते हैं यानी बुल्स मतलब तेजी खेलने वाले लोग जो हमेशा बाय करके खेलते हैं बियर्स मतलब सेलिंग करने वाले लोग जो हमेशा सेल करके प्ले करते हैं अब दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं ऑप्शन मार्केट के अंदर एक होता है कॉल एक होता है पुट कॉल का मतलब होता है रेजिस्टेंस पुट का मतलब होता है सपोर्ट ठीक है अब जब बैंक पार्टिसिपेट करता है जैसे मैंने बोला बैंक अगर हंड्रेड करोड़ का बेट अगर यूरो यूएसडी पे बैंक को लगाना है तो वो इस तरीके से नहीं लगाता कि भाई हमने बाय कर लिया और स्टॉप लॉस लगा दिया टीपी लगा दिया इस तरीके से बैंक काम नहीं करते ठीक है वो क्या करते हैं उनका एक अलग ऑप्शन मार्केट चलता है बैटिंग सिस्टम चलता है इस ऑप्शंस मार्केट के अंदर दोस्तों कुछ होती है एक्सपायरी डेट राजेश सर आप सुन रहे हैं राजेश सर यस सर हाँ तो आपसे तो, तो 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 मैं थोड़ा सा बात करूंगा ठीक है ना ताकि आप ही रेस्पॉन्स करते हो तो थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ तो सर एक होती है एक्सपायरी डेट ठीक है हम मान के चलो कि मेरे और आपकी बेट लगी मेरे बीच में और आपके बीच में एक बैट लगी कि आज है फोर्टीन मार्च ठीक है थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले पहले यूरो यूएसडी का लेवल क्रॉस नहीं करेगा ठीक है ओके आपने बोला नहीं क्रॉस करेगा तो हमने कहा ठीक है थर्टी फर्स्ट मार्च तक एक काम करते हैं आप दस डॉलर की बेट लगाते हैं ठीक है हम लोग की बैट लगाते हैं अगर तो ये पंद्रह सो डॉलर हो गया ठीक है मतलब मैंने नहीं। बोला ये नहीं करेगा, आपने बोला करेगा। तो अगर ये पंद्रह सो क्रॉस नहीं किया तो आप मुझे दस की जगह बीस डॉलर दोगे ठीक है ये हम कब डिसाइड करेंगे थर्टी मार्च से पहले पहले यानी अप टू थर्टी मार्च यानी आज से लेकर थर्टी मार्च तक ये नहीं जाना चाहिए, मेरे से, और आपके से चले जाना चाहिए चाहिए मेरे और आपके चले तो okay. तो आज से अब क्या होता है जब ये तरह की बैट लगती है तो उसके बीच में होती है एक्सपायरी डेट क्या होती है सर एक्सपायरी डेट एकस्पारी जो हमारी बैट लगी हुई है ये इकतीस मार्च तक लगी हुई है इकतीस मार्च तक अगर ये नहीं गया तो मैं विन हो जाऊंगा मतलब मेरा मेरे okay. को दस के जगह बीस डॉलर मिल जाएंगे मेरे को आपका पैसा जीरो हो जाएगा ठीक है ना तो okay. अब क्या होता है कि मान के चलो कॉल का मैंने बोला मतलब मतलब रेजिस्टेंस पुट का मतलब सपोर्ट ठीक है तो इसमें जब बैट लगती है मार्केट के अंदर तो अगर पंद्रह के ऊपर नहीं जाना होता यूरो यूएसडी को यूरोस मार्च तक ठीक है ना मेरा मानना यह है कि इकतीस okay. मार्च तक ये पंद्रह सो नहीं जाएगा तो एक प्रोडक्ट होता है कॉल तो मैंने क्या करता हूँ कॉल सेल कर देता हूँ कॉल का सपोज वैल्यू है पंद्रह सो की स्ट्राइक प्राइस इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या बोलते हैं सर स्ट्राइक प्राइस प्राइस स्ट्राइक इसकी एक कॉल एक प्रोडक्ट है स्ट्राइक प्राइस एक वैल्यू है मान लो उसका वैल्यू है पंद्रह सो की कॉल का दो डॉलर का या बीस डॉलर ले लेते हैं ठीक है तो इसकी ये फंक्शनैलिटी होती है ऑप्शन मार्केट के अंदर अगर एक्सपायरी डेट जो की है इकतीस मार्च तक अगर ये 1500 पे यूरो यूएसडी नहीं गया तो इसकी जो कॉल का वैल्यू है 20 डॉलर ये क्या हो जाएगा जीरो ओके okay. तो मैंने क्या किया मैंने इसको सेल कर दिया 1500 पे सेल की बिड लगाई ना 1500 बिड नहीं लगाई 1500 पे जो कॉल है ये एक प्रोडक्ट है आप मान के चलो ये एक वस्तु है ओके okay. ये वस्तु मैंने 20 डॉलर पे सेल कर दी ओके ठीक है ये टोकन मनी मान लो आप एक तरह से तो ये एक कॉल है एक टोकन मनी है जो मैंने बीस डॉलर का मैंने सेल कर दिया तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि अगर इकतीस मार्च तक ये पंद्रह नहीं गया तो ये बीस डॉलर की वैल्यू जीरो हो जाएगी ओके okay. यानी बीस डॉलर पे मैंने सेल किया और जीरो डॉलर पे मैंने क्या कर लिया बाय तो मेरे को बीस डॉलर का प्रॉफिट हो गया ठीक yes, है सेम वे में मैं नीचे प्रोडक्ट कर रहा हूं कि इस इकतीस मार्च तक ये जो है 1200 के नीचे नहीं जाएगी यूरो यूएसडी। तो मैंने क्या किया पुट पुट की वैल्यू 1200 क्या है मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है सर स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी डेट मेरी सेम है इकतीस मार्च मैं आपसे एक और बैट लगा रहा हूँ कि बारह 1200 के नीचे भी इकतीस मार्च तक नहीं जाएगा ये 1200 से 1500 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे इस 1200 के जो नीचे का वैल्यू है इसका है पुट इसका नाम है पुट तो इस पुट की वैल्यू चल रही है मान के चलो टेन डॉलर की मैं ये भी सेल कर देता हूं ठीक है तो अगर यूरो यूएसडी आज से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक अगर बारह से पंद्रह के बीच में रहा तो ये जो दस डॉलर है ये भी जीरो हो जाएंगे ये जो बीस डॉलर सेल किए मैंने ये भी जीरो हो जाएंगे टोटल कंबाइंड इसको बोलते हैं प्रीमियम क्या बोलते हैं सर इसको प्रीमियम प्रीमियम ये प्रीमियम तीस डॉलर का पूरा का पूरा प्रीमियम मेरे घर में आ जाएगा एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर कुछ समझ में आया यस yes, सर थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आ रहा है हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है ठीक है ना तो ये बेसिकली मतलब मेन बेसिकली आपको समझ में क्या नहीं आएगा ये कॉल और पुट क्योंकि ये इतनी आसान चीजें नहीं है समझाने के लिए इसके लिए थोड़ा सा अपन को बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी होगी लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके अंदर समझा दू कि कॉल पुट क्या है कॉल पुट एक ऐसी वस्तु है एक ऐसी चीज है कि जो मान के चलो अगर एक्सपायरी तक वो रेट नहीं आया वो स्ट्राइक प्राइस तक अगर आपका वो करेंसी पेयर नहीं गया तो जो उस कॉल की रेट है वो जीरो हो जाती है तो इंस्टीट्यूशन okay. क्या करता है इंस्टीट्यूशन हमेशा सेलर होता है वो हमेशा सेल करके चलता है क्यों क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर आता है टाइम ताँड़ी। वैल्यू का टाइम वैल्यू क्या, क्या बोलता है जैसे जैसे टाइम टाइम डीके डीके होगा का क्या मतलब है जैसे जैसे चौदह तारीख से इकतीस तारीख नजदीक आता रहेगा इसकी एक, इसके एक, एक होती है टाइम वैल्यू वो टाइम वैल्यू जीरो कम होती रहेगी इसकी मतलब प्रीमियम धीरे oh okay. धीरे गलते रहेंगे गलते रहेंगे जीरो होते रहेंगे कम वैल्यू होती रहेगी उनकी और एक्सपायरी वाले दिन आते आते वो जीरो हो जाएगा अगर पंद्रह सौ तक नहीं गया नीचे अगर बारह सौ तक नहीं गया तो ये जीरो हो जाएगा टाइम इस वैल्यू इसको पूरा मतलब खा जाएगा सर ए, एक क्वेश्चन है हाँ? मतलब जो हमारे बीच जो बीड लगी है वो एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है दोबारा बोले आप मतलब आ, आपने बोला कि पंद्रह सौ तक जाएगा मैंने बोला पंद्रह सौ तक नहीं जाएगा ठीक है ठीक है तो हमारे बीच समझ लो के सौ डॉलर की बीड सौ डॉलर का बैट लग गया सौ डॉलर का बैट लग गया हाँ, बैट लग गया ठीक है बैट लग ठीक बैट है। लग, ठीक बैट है? लग गया गया ठीक है लेकिन जो आप जो तो समझा रहे हैं वो एक्चुअल बीड की अमाउंट नहीं है ना नहीं नहीं अमाउंट ही एक तरह से वो अपन को अमाउंट दिखेगा नहीं हमें दिखेगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके हमें दिखेगा कितने लोगों ने बीड लगा रखी है कितने कॉन्ट्रैक्ट की बिल लगी okay. हुई है एक लॉट की दो लॉट की दस लॉट की बीस लॉट की ओके okay. हाँ, किस रेट पे लगा रखी है हो? रेट होगी हमें ओके okay. हाँ। तो जितने ज्यादा लोग होंगे अब मान के चलो आज मेरे और आप में शर्त लग गई और 1500 तक मैं बोल रहा हूँ नहीं जाएगा यूरो यूएसडी अब मेरे मान के चलो मेरे सपोर्ट करने वाले मैक्सिमम लोग आ गए ओके okay. तो मैक्सिमम लोग अगर 1500 बोल रहे हैं और सारे के सारे समझदार लोग हैं तो वो पंद्रह सौ नहीं जाएगा ओके okay. तो हमें ये देखना है कि जो हम सीएमई पे डेटा देखते हैं वहां पे मैक्सिमम लोग कहाँ पे खड़े हुए क्योंकि ये मैक्सिमम वो लोग हैं जो स्मार्ट मनी है ओके okay. तो इन लोगों का व्यू क्या है ये क्या देख रहे हैं मार्केट के अंदर समझ लो के हो गया सर समझ लो के मैक्सिमम लोग पंद्रह सौ पे खड़े हैं और पंद्रह सौ को काट दिया काट सकता है बिल्कुल काट सकता है ठीक है तो काटना मतलब क्या होता है वन ओवर कैंडल का होता है या फिफ्टीन मिनट या एक बार भी नहीं क्लोजिंग वैल्यू डेली डेली चार्ट पे क्लोजिंग वैल्यू ओके ये डेली चार्ट का वैल्यू uh, हाँ, होता है ना क्योंकि ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि आप ये समझो कि 1500 की कॉल की प्राइस अगर है ईओडी तक होना हाँ, चाहिए हाँ, 20 डॉलर है और अभी ये चल रहा है 1300 डॉलर ठीक है ना तो इसके अंदर ऑपरेटर को जो स्मार्ट मनी इसको नुकसान भी होता है क्योंकि जब तेरह सौ से पंद्रह सौ जाएगा दो सौ पेज होगा ना तो ये बीस डॉलर की चीज ये दो सौ बीसर की हो जाएगी ओके आ, ये भी बढ़ती है वैल्यू तो इसमें जो बीस डॉलर का उन्होंने बेचा है अब उनको क्या करना पड़ेगा दो सौ बीस डॉलर का खरीदना पड़ेगा उनको क्योंकि अगर ये सौदा स्क्वायर ऑफ हुआ इकतीस मार्च को तो यानी जो चीज उन्होंने सेल कर रखी हो बाय तो करनी पड़ेगी उनको तो टू हंड्रेड डॉलर का उनको पर स्टैंड अलॉट नुकसान होगा उनको ओके ठीक है तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं ऑपरेटर भी अपनी पोजीशन का एडजस्टमेंट करते रहते हैं ओके okay. अब कैसे एडजस्टमेंट करते हैं इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं ये दिखता कैसे कैसे ट्रेड करने कैसे समझना है इसको मैं समझाता हूँ तो हम यहाँ पे वही गूगल पे जाएंगे या यहाँ पे लिख देंगे यूरो यूएसडी Option. एक मिनट होल्ड करना आ, मैंने जस्ट होल्ड फॉर अ गाइस मैंने अपना पेन ओपन नहीं किया है यहां पे आने के बाद आपको आना है सीएमई ग्रुप वाले डेटा पे ये देखो लिंक दे रखा है सीएमई ग्रुप ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का है ठीक है सीएमई ग्रुप है यहां पे आप क्लिक करोगे यहाँ आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे आ गए यहां पे आप जाओगे कोड्स में कहां पे क्लिक करोगे कोड्स में क्लिक करोगे अब आप आओगे ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल टूल यहाँ पे आपको आना है हीट मैप पे हीट मैप में पहला ऑप्शन है ओपन इंटरेस्ट का ठीक है राजीव सर ये yes, सर अब सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है ई यू जे जे टू जो भी है हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे यहाँ पे लिखो ट्वेंटी फाइव डेज टू एक्सपायर डी का मतलब है पच्चीस दिन बचे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी में ठीक है ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट है उसके उसका है ये ये करंट हाँ करंट लेट में पच्चीस दिन बचे हैं ये जितने भी वैल्यूज हैं पच्चीस दिन के अंदर सब खत्म हो जाएंगे ओके okay. अब इसमें ये कॉल है कॉल का मतलब रेजिस्टेंस पुट का मतलब सपोर्ट तो अब मेरे को आप कॉल वाली लाइन के अंदर ये बताओ

तो उन्होंने जो कॉल है इसका जो वैल्यू होगी सोलह सो स्ट्राइक प्राइस की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे उन्होंने सेल कर रखी है चाहे एक डॉलर हो चाहे दो डॉलर हो चाहे दस डॉलर हो जो भी सोलह सो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू होगी वो उन्होंने कितने कॉन्ट्रैक्ट बेच रखे दो हजार चार सौ सत्तर ले लेते ले ले। तो पता है कि सोलह सो तक नहीं जाएगी फिर वहां वहां पे सेल क्यों कर रहा है सेल इसलिए कर रहा है कि अगर ये पच्चीस दिन के अंदर अंदर सोलह सौ पे नहीं गई तो पच्चीसवें वाले दिन जो भी इसने सोलह सौ सो का कॉल बेचा होगा दो डॉलर का या दस डॉलर का वो जीरो हो जाएगा नहीं समझे आप नहीं समझे सर सर समझो कि मैं सोच रहा हूं कि सोलह सौ सो तक नहीं जाएगा नहीं, वो कंफर्म है फिर तेल की क्यों लगाऊ सेल आप इसलिए लगाओगे क्योंकि यहां पे जो ऑप्शन का प्रोडक्ट आता है ना सर ऑप्शन के प्रोडक्ट में एक चीज होती है कॉल कॉल क्या होती है कॉल एक तरह का रेजिस्टेंस है ठीक है पुट एक तरह का सपोर्ट है अब इस कॉल का कोई प्राइस होता है और इस पुट का भी कोई प्राइस होता है ठीक है अब ये जो कॉल okay. होती है इसमें एक रोल आता है स्ट्राइक प्राइस का ये सारी स्ट्राइक प्राइस है इसका हर स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी है पुट भी है हर स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी है पुट भी है ठीक है ओके अब मान के चलो 1600 वाली चीज मेरे को अभी दो डॉलर में मिल रही है इसमें ये भी बैट है कि अगर अभी यूरो चल रहा है नौ सौ ठीक है अभी यूरो यूएसडी चल रहा है 950 अगर कल को ये 25 दिन के अंदर अंदर 25 दिन के अंदर अंदर अगर ये 950 से 1600 चला जाएगा ना तो ये दो डॉलर वाली चीज 200 डॉलर की हो जाएगी आपकी तो आप okay. सेल कीजिएगा चाहो तो आप बाय भी कर सकते हो उसको आप आप सेल कीजिए इसको बाय भी कर सकते हो आप लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना इंस्टीट्यूशन हमेशा सेलर होते हैं क्यों होते हैं सर सेलर क्योंकि वो लोग खाते हैं टाइम वैल्यू को वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो वॉलेटिलिटी है अभी जो मूवमेंट है यूर, यूरो यूएसडी मैक्सिमम 100-200 पिप के अंदर ऊपर नीचे करेगा बस 25 दिन के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1600 नहीं जाएगा तो हम दो डॉलर की चीज को क्यों तो खरीदें हम दो डॉलर का नुकसान भी क्यों करें हम इसको एक काम कर देते हैं हम दो डॉलर को सेल कर देते हैं मतलब दो डॉलर का सेल करने का मतलब है कि वो लोग सोलह सो के भाव पे यूरो यूएसडी बेच के खड़े हैं अगर 1600 नहीं गया इसका मतलब दे आर सेलर एट दे आर सेलर एट द लेवल ऑफ 1600 अगर 1600 नहीं गया तो दो डॉलर की जीरो हो गई तो जीरो होने का क्या मतलब है कि आपने जीरो पे बाय किया और आपने दो डॉलर पे सेल किया ऐसे ही स्टेटमेंट पढ़ी जाएगी भैया आपने यूरो यूएसडी आज आप 1300 पे बेचते हो ठीक है 1.1300 पे आपने यूरो यूएसडी बेचा और 1200 पे खरीद लिया तो कितने पिप का प्रॉफिट हुआ हेलो तो राजेश सर सौ पिप का हुआ आ, ना तो ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ दो डॉलर की बेच दो जीरो पे खरीद लो आप कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा दो डॉलर का दो डॉलर सेम चीज है वहाँ पिप काउंट हो रहे हैं यहाँ पे डॉलर मिल रहे हैं आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं डॉलर मिल रहे हैं ओके okay. तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इतने दूर दूर का सैलर हेलो सर hello? जी यस yes. हेलो सर जी जी हेलो यस हेलो हाँ कैंडल की पद्धति दिखाओ ना हंडल कैंडल कैसी कैंडल क्या करने चाहते हैं वो सर अभी मैं बताऊंगा अभी कोई और चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी उसपे भी हम लोग आएंगे सर आ, थोड़ा सा वेट ठीक, ठीक, ठीक। मतलब सर ये एक एडवांस चीज है इसको अभी मैं समझाने बैठूंगा ना राजेश सर तो आप मतलब थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसके अंदर ठीक है अभी के लिए बस आप ये समझो कि जो आपका मैक्सिमम लेवल पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं वो आपका रेजिस्टेंस है ठीक है ठीक है ओके और नीचे के भाव पे यानी करंट रेट से जो नीचे का भाव है वहां पे कहा खड़े हुए सात सौ पे खड़े हुए. Insult, आप? सर insult, आप हेलो हाँ जी सर सर शॉर्ट आप जीबीबी में मुझे इतना समझा दो कि मतलब ये ये बीज लगाई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए इतना थो थोड़ा मुझे कहाँ पे कहाँ पे बिड है मतलब आप जीबीपी में दिखाओ चलो एक एक करते हैं पहले अपन डॉलर इंडेक्स का वो करते हैं फिर यूरो यूएसडी पे करूंगा आप लोगों के सामने फिर जीबीपी यूएसडी पे करेंगे ठीक है सर यस यस ये श्योर सर देखो दोस्तों डॉलर इंडेक्स आपका दस मिनट में दोस्तों मीटिंग एंड हो जाएगा तो वापस इसी लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा डॉलर इंडेक्स में अभी आपका लग रहा हुआ है डबल टॉप ये देखो दो घंटे के चार्ट में डेट इज कॉल्ड डबल टॉप ठीक है ये एक नाइन्टी नाइन पॉइंट थर्टी के लेवल्स पे पहले भी इसी लेवल से रिवर्स हुआ था अभी भी इसी लेवल से रिवर्स हो रहा है तो इसको हम डबल टॉप बोल सकते हैं इसके अंदर तेजी कब आएगी जब ये नाइनटी नाइन पॉइंट थर्टी डॉलर के ऊपर तेज होगा डॉलर इंडेक्स आपका तब डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आएगी और यूरो वापस से गिर सकता है जब तक नाइनटी डॉलर का लेवल ये क्रॉस नहीं करेगा डॉलर इंडेक्स तब तक यूरो के अंदर मंदी नहीं आएगी और जब तक यूरो के अंदर मंदी नहीं आएगी तो डॉलर इंडेक्स भी आपका ऊपर नहीं जाएगा ठीक है नाइन्टी नाइन पॉइंट थर्टी याद रखना अगर नाइनटी नाइन पॉइंट थर्टी के ऊपर डॉलर इंडेक्स सस्टेन कर गया तो ये एक सौ एक और एक सौ दो डॉलर तक भी डॉलर इंडेक्स आपका जा सकता है अब हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर पहले आते हैं वीकली चार्ट पे यूरो यूएसडी के ये देखो इसने एग्जैक्ट लास्ट वीक भी हम लोगों ने आपसे ये बात की थी कि इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया वीकली चार्ट के ऊपर और इसी लेवल को सपोर्ट को ये रेस्पेक्ट करते हुए अभी ऊपर जा रहा है डेली चार्ट पे हम लोग आते हैं देखो दो घंटे के चार्ट पे आते हैं यहाँ पे इसने क्या बनाया है हैंगिंग मैन बनाया है सॉरी हैमर बनाया है यहाँ पे हैमर बनाया हुआ है और हैमर के बाद कहाँ पे बनाया हुआ है बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे बनाया और उसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली दूसरी बात लास्ट टाइम राजेश सर क्या बात की थी हम लोगों ने कुछ याद है आपको नहीं सर इम्पल्सिव वे वो करेक्टिव वे बताया था मैंने आपको कि यहां से अगर ये ऊपर गया दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव वेव दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव वेव जो हमने पहले कवर अप किया हुआ था और यहां तक ये नीचे आया है दिस इज कॉल्ड करेक्टिव वेव अब मैंने आपसे ये पूछा था कि ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है ये करेक्टिव वेव है रिवर्सल है ठीक है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था हाई हाई प्राइस 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 माइनस लो से आप लो प्राइस माइनस करो जितना भी आपको डिफरेंस मिलता है जितना भी आपको डिफरेंस आता है उसको आप हाई प्राइस से माइनस कर दो हाई माइनस लो क्या निकलेगा आपका डिफरेंस निकल जाएगा कोई भी अमाउंट और उस डिफरेंस को आप हाई में से वापस माइनस कर दो तो ये आपका निकल जाएगा फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस रैली तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट उसी फिफ्टी परसेंट के आसपास या थोड़ा सा और नीचे ये हो रहा है। अगर इसने इस बार इसका हाई तोड़ा तो ये लो तोड़ा तो यहाँ से बहुत अच्छी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी लेकिन अभी के तौर पे जब तक ये 900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे तब तक यूएसडी आपका तेज है अगर मैं इस मैट्रिक्स में आ जाता हूँ मैट्रिक्स में मैं प्रेफर करता हूँ ओपन इंटरेस्ट चेंज कि ऑपरेटर अपनी पोजिशन कहां कर रहा है अभी देखो ऑपरेटर ने अपनी पोजिशन छह के लेवल पे बिड लगा रखी है बाइंग करने के लिए और सेलिंग के लिए लगा रखी है तेरह सौ पे सेलिंग के लिए लगा रखी है तेरह सौ पे कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ऐड किए हैं और नीचे छह सौ पचास पे ऐड किए हैं यानी वो लोग अभी जो रेंज देख रहे हैं आज के डेटा के हिसाब से 650 से 1300 के बीच की रेंज देख रहे हैं यूरो यूएसडी की यानी ये नीचे 650 भी आ सकता है और ऊपर 1300 भी जा सकता है ठीक है टेक्निकली भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यूरो यूएसडी एक करेक्टिव वेव के अंदर है अगर आज के दिन ये पॉजिटिव बंद हो जाता है और पॉजिटिव बंद होने के साथ साथ अगर ये आज के हाई के ऊपर कल ट्रेड करना चालू कर देता है तो एक अच्छी रैली हमें यूरो यूएसडी के अंदर देखने को मिलेगी नीचे सपोर्ट है 650 का और ऊपर रेजिस्टेंस है तेरह सौ का तेरह सौ के बाद चौदह सौ का रेजिस्टेंस है आपका ठीक है टाइम लेगा क्यों टाइम लेगा आप वीकली चार्ट पे आओ इधर वीकली चार्ट पे जब इसने यहां से रिवर्सल दिया था इस जोन से रिवर्सल दिया था तो पांच छह हफ्ते इसी जोन के अंदर 300-400 चार ऊपर नीचे ट्रेड करने के बाद फिर ये फाइनली इसने रनअप दिया था ऊपर की तरफ अभी भी ये ऐसे परेशान करेगा तीन चार हफ्ते इसी के अंदर परेशान करेगा 10 अप्रैल तक डेट लिख लो आप 10 अप्रैल तक आपका वॉर का मैटर सॉल्व हो जाएगा 10 अप्रैल से पहले तकलीफ रहने वाली है ठीक है 10 अप्रैल से पहले पहले तकलीफ थोड़ी बहुत रहने वाली है ऊपर नीचे और 10 अप्रैल के बाद ये तेजी पकड़ेगा यूरो यूएसडी ठीक है अब ये मत पूछना है कि 10 अप्रैल की डेट मैंने कहा से निकाली <laughs> ठीक <laughs> अब ये लिख लो जीबीपी यूएसडी जीबीपी यूएसडी तीन हफ्तों से कंटिन्यूस गिरा है एक दो तीन अब ये कंपलसरी नहीं होता साइकिल थ्योरी मैंने आपको बताई थी साइकिल थ्योरी क्या होती है या तो तीन दिन गिरने के बाद रिवर्सल आता है नहीं तो फिर पांच दिन तक गिरता है फिर उसके बाद रिवर्सल आता है और पांच दिन तक अगर नहीं रुका तो आठ दिन के बाद रिवर्सल आता है यानी ये तीन कैंडल का मतलब है तीन वीक अगर नहीं गिरा तीन वीक गिर गया रिवर्सल नहीं आया तो ये चौथा वीक है जो रिवर्सल का चल रहा है

2970 देखो टेक्निकल पे आ रहा है हमारा 2850 और स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग राजेश सर देख लेना डाटा आ रहा है आपका 2970 ठीक है 2970 अगर आता है तो आप लोग बाय करो बिटवीन 1.2970 से 1.300 फाइनल स्टॉप लॉस रखो आप 1.2950 का क्लोजिंग बेसिस पे अगर के यूएसडी तो ने थ्री जीरो जीरो नाइन का लगाया है अगर आपको दोबारा डिप मिलता है तीन हजार के आसपास तो आप इसको बाय करके चलो टू नाइन फाइव जीरो का फाइनल स्टॉप लॉस रखना क्लोजिंग बेसिस पे और ऊपर के जो टारगेट रखना आप इकतीस सौ से बत्तीस सौ तक के टारगेट रखना आप ठीक है राजेश सर ओके सर चलो सीएमई डेटा पे ले जाओ मित्रा सीएमई डेटा पे खाली अभी सपोर्ट है ऊपर के लेवल पे अभी रेजिस्टेंस जो बना हुआ है खाली छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 14 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं 3050 पे ओके okay. अगर आप 3050 तो अगर आप 3050 के ऊपर बंद हो गया तो नेक्स्ट टारगेट इनका 3100 का है फिर सीधे 3100 पे बिल्ड हो रहा है ठीक है सर सर वो यूरो यूएसडी का जो आपने डेटा दिखाया था तो वो, वो ए, नहीं नहीं यूरो यूएसडी नहीं करना है जीबीपी रखना है लेकिन आपने और भी एक कॉलम दिखाया था वो कौन सा था ये वाला था शायद ओपन इंटरेस्ट वाला हाँ तो इसमें क्या देखना है और इसमें क्या देखना है ये मैं आपको ना सर एक बार कभी उस पर बता दूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत से लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं नहीं इस चीज को समझने के लिए ठीक है मुझे तो भी है ना तो इसमें मैं आपको अलग से कभी बैठ के बता दूंगा इसके अंदर ठीक है तो अभी आप कैंडल्स को समझ लीजिए ठीक है सर इसको मैं अलग से कभी सेपरेट क्लासेस दे दूंगा मैं ठीक है तो अभी अपन बाय करेंगे टू नाइन सेवन जीरो से थ्री थाउजेंड के बीच में और टू नाइन फाइव जीरो स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे और थर्टी वन हंड्रेड से थर्टी टू हंड्रेड आपका टारगेट रहेगा जीबीपी यूएसडी के अंदर अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं जो लोग एवरेजिंग को पसंद करते हैं वो स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते तो उनके लिए मैं बता देता हूं उनके लिए लास्ट सपोर्ट लेवल है 2857 या 2850 अगर 2850 के नीचे बंद हो गया जीबीपी यूएसडी तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना उससे ज्यादा एवरेज मत करना या हेज कर लेना लेकिन 2850 के नीचे अगर जीबीपी यूएसडी बंद हो जाता है तो दोस्तों ज्यादा लंबा होल्ड मत करना उसके बाद ये 2400 भी आ सकता है करीब ठीक है अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब रही तो नहीं तो में लिख सकते हो मैं आपको सर अगर आपके चौतीस पे बाय पोजीशन है तो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि दो चीज कर सकते हो आप एक तो अपने अकाउंट में इक्विटी डाल के टू के आसपास बाय करो और दूसरा टू के आसपास बाय करो अगर इक्विटी नहीं है तो वेट करो अट्ठाईसो आने का वहाँ पे एक्स्ट्रा बाय करना वहां से अच्छी एवरेज आपकी हो जाएगी नहीं तो अगर ये अगर यहीं से चला जाता है बत्तीस को तोड़ देता है फिर देखेंगे क्या करना है अभी आप होल्ड hold करो होल्डिंग के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं सेलिंग में रिकमेंड अभी इसके अंदर नहीं करूंगा

गाइस uh, बस दो मिनट के अंदर चालू कर रहे हैं पीपल आर ज्वाइनिंग इन बस वंस दे ज्वाइन देन वी विल स्टार्ट सर जी उसके बीच ये दिखा दो ना कि जो आपने दो तो ऑप्शन दिखाए थे सीएम के तो उसमें है? मुझे क्या देखना है बस एक सर इसके लिए अलग से एक बार ना बात कर लेंगे राजी सर अभी दिस इज नॉट द राइट पॉइंट मैं तो, रा आपको करा दूंगा मैं आपको ठीक है ठीक है सर बेली uh, सोलू करते हैं दोस्तों पीपल आर ज्वाइनिंग इन ये तो जीबीपी जीबीपीएसडी में बता रहा था कि अगर जिन लोग ऊपर फंसे हुए हैं देखो दोस्तों ऊपर फंसने के चक्कर में दो ही चीजों से आप निकला जा सकता है या तो आपके पास इतनी सटीक स्ट्रेटेजी हो कि अब आप स्कैल्पिंग कर करके करके -कर 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 अपने अकाउंट की इक्विटी को इंक्रीज करते रहो और अपनी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है कॉस्ट ऑफ बाइंग अगर आप नहीं समझते तो आप देख लेना यार वो मैं नहीं समझा पाऊंगा अभी कॉस्ट ऑफ बाइंग को आप नीचे लेकर आ सको ठीक है दूसरी तीसरी चीज क्या होती है हैजिंग कर दो अब हैजिंग के से भी निकलना एक कला है जैसे चक्रव्यूह से निकलना जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था वैसे ही आप पोजिशन के अंदर एक चक्रव्यूह में फंस जाते हो उससे निकलना भी एक कला है ठीक है और उसके लिए भी आपको मास्टर पीस चाहिए ऐसे नहीं है कि हेजिंग के अंदर कोई फार्मूला है उस फार्मूला को लगाया और निकल गए ऐसा कुछ भी नहीं है वो सब चीजें आपके एक्सपीरियंस से आती हैं तीसरी चीज कैसे निकल सकते हो या तो इक्विटी बढ़ाओ अपनी इक्विटी बढ़ा के सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करो वहां पे एवरेज एवरेज बनाओ average बना के ऊपर कुछ प्रॉफिट्स आते हैं उनको बुक करो बुक करके वापस वेट करो इस तरीके से आप निकल सकते हो तो कहने का मतलब है ओवरऑल आपको एक्सपर्टीज चाहिए एक्सपर्टीज के लिए आपको लर्निंग चाहिए और लर्निंग तभी हो पाएगी जब आप प्रॉपर तरीके से सीखोगे सिर्फ फंड डाल के ट्रेडिंग करना इज नॉट अ थिंग जब तक आप सब चीजों को नहीं सीखोगे तब तक आप दोस्तों यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ ये मैं बोलूंगा इसके लिए बाकी लास्ट तरीका ये है ना एवरेज करो ना कुछ करो भैया वेट करो दो चार छह महीने में सर, स्कैल्पिंग में इतने समझदार होते तो अकाउंट फंसता ही क्यों मेरा तो भैया बात यहाँ पे खत्म हो जाती है ये वाली दूसरा आप कहोगे पैसा होता तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी पैसा मैं खुद डाल लेता ठीक है तीसरा इतना समझदार तो सर मैं भी हूँ कि पैसा डाल के किस किस लेवल पे एवरेज करना है तो ये भी बात खत्म हो गई फिर भी आप पूछ क्यों रहे हो आप ठीक है तो हर चीज का आंसर आपके पास खुद है तो इसमें मेरे लगता नहीं मेरे को कुछ बताने लायक है इसके अंदर ये तो आप खुद समझदार हो और जब तक आप स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करोगे तब तक मूर्खता है ठीक है आप बेवकूफी वाले काम कर रहे हो तो उन चीजों को ना करो या फिर अपने लॉट साइज को कम रखो कैपिटल अगर ज्यादा है कम लॉट साइज पे काम करो अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है और दूर दूर लेवल पे आप अपने एवरेजिंग करते रहो तो थोड़ा बहुत चांसेस है बचने के अदरवाइज आप मारे जाओगे ठीक है तो यूएसडी मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने पोजीशन नहीं ली है अभी वो टू नाइन सेवन जीरो से थ्री थाउजेंड के बीच में ले सकते हैं पोजीशन टू नाइन फाइव जीरो का स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि नहीं ये बीस पिप तीस पिप का स्टॉप लॉस नहीं लेना थोड़ा बड़ा बताओ तो फाइनल स्टॉप लॉस उनके लिए अट्ठाईसो पचास है आप दो काम कर सकते हैं या तो कहीं भी एवरेज ना करें स्टॉप लॉस लगा दें अट्ठाईस <सथ> अट्ठाईस अगर डेली चार्ट में कोई भी कैंडल बंद हो गया तो एग्जिट कर जाना नहीं तो अट्ठाईसो पे एक और लॉट लेना अट्ठाईसो पे ले लेना और अट्ठाईसो पे सबका स्टॉप लॉस अट्ठाईसो लगा देना क्लोजिंग बेसिस पे क्योंकि अट्ठाईसो से अगर उनतीस भी गया या अट्ठाईसो साठ सत्तर से अगर उनतीस सौ उनतीस सौ बीस गया तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना उस वाले लॉट का ऊपर वाले पड़े रहने देना विद द सेम स्टॉप लॉस अट्ठाईस सौ पचास का बस इसके नीचे बंद लॉन्ग पोजिशन से एग्जिट नो हेजिंग नथिंग डूइंग बस सिंपल रूल फॉलो करो आपका स्टॉप लॉस काटेगा ये ऊपर आएगा आप मातम मनाओगे कोई दिक्कत नहीं है लॉस काट के पछताना ज्यादा बेटर है फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ करके रोते रहना और इस उम्मीद में डेली उठना कि आज तो जीबीपी 200 पे बगेगा आज तो जीबीपी 400 पे बग जाएगा ठीक है ये चीज अभी मैं जीबीपी जेपीवाई भी बताऊंगा जो भी करेंसी पेयर में आपको चाहिए कि मैं एनालिसिस करूँ आप चैट बॉक्स में लिखते रहो मैं उसकी एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा आगे आते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर जो लोग हमारे वेबिनार में रेगुलर आ रहे हैं उनको मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि एक का लेवल एक का लेवल एक का लेवल राजेश सर बोला था या नहीं यस सर देख लो एक अब आप लोगों के सामने लगा दिया है इसने काफी टाइम से बोल रहा हूँ एक सौ पंद्रह के भाव से एक सौ चौदह के भाव से बोलता ले <estraniss round> <Palestine> आ रहा हूँ तेरह पचास के भाव से <quiray> बोलता आ रहा हूँ एक सौ तेरह से एक सौ तेरह बोल रहा हूँ की एक सौ अठारह आएगा एक सौ अठारह आयेगा एक सौ अठारह आएगा एक सौ अठारह इसने लगा दिया है जिन्होंने किया उन सबको भी मुबारक जिन्होंने नहीं किया उनको भी धन्यवाद बहुत बढ़िया चलो अभी कहाँ तक जाएगा इसको देख लेते हैं पहले देखो एक रेजिस्टेंस का एक सौ अठारह सत्तर ये वाला लाइन है मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये रेजिस्टेंस है अठारह चालीस से अठारह सत्तर के बीच में है रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आज मैंने अपने न्यूज में भी हम लोगों ने शॉर्ट पोषण दी थी इस लेवल पे यहाँ पे आए तो शॉर्ट करना है स्टॉप लॉस एक डॉलर का दे दिया था राउंड फिगर के अंदर अगर उसके ऊपर तो जाना था जितना उसको चला गया मेरे हिसाब से ठीक है अब इसको इससे ज्यादा या मैक्सिमम 120 से ज्यादा जाना नहीं चाहिए बाकी जैसे डेवलपमेंट होगा मैं बताऊंगा लेकिन एक बार 118 सौ से एक मिनट दोस्तों इसको मैं सेव कर लेता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मेरा आइडिया क्या है सेल बिटवीन यूएसडी जीपीवाई एक सौ पचास से एक सौ अठारह सत्तर स्टॉप लॉस लगाओ एक सौ उन्नीस डॉलर का क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट लो एक का पहला टारगेट लो एक सो सत्रह पचास का दूसरा टारगेट लो बस ज्यादा नहीं देखना ऊपर ज्यादा नीचे नहीं बस आपको इतना काम हो जाएगा आप लोगों के लिए सफिशियंट है अब गोल्ड पे। अब सर वीकली चार्ट पे मैंने क्या बताया था राजेश सर कि जब भी वीकली चार्ट होता है तो अपने प्रीवियस हाई को टच करने जाता है लास्ट सेमिनार में बताया था वेबिनार में कि जब ये भी ये वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये लास्ट उसको टच करने जरूर जाता है ये 2070 तक गया हाई कितना था दो हजार पिछहत्तर ये वाला हाई था दो हजार पिछहत्तर लेकिन इसने कितना हाई लगाया 2070 का हाई लगा के डबल टॉप लगा के वहां से नीचे अब ये कहां तक आ सकता है उन्नीस डॉलर तक आपका ये नीचे आ सकता है लास्ट इसका सपोर्ट लेवल उन्नीस है उन्नीस के नीचे उन्नीस सौ डॉलर तक आपका गोल्ड आ सकता है 1916 का घर देख लो 1916 तक आपका गोल्ड आ सकता है ठीक है और ये 1880 भी आ जाएगा कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर अब नजर नहीं आती है लेकिन एक बार बाउंस बैक जरूर मारेगा ठीक है पलट के पार वार जरूर करेगा ये तो ध्यान रखना जब ये पलट के वार करे तो दोबारा ठोक देना इसको डरना नहीं कैसे जैसे ये देखो ये कैंडल आया उसके बाद देखो ये पलट के वापस अप होकर वापस टच करने गया, इस रेजिस्टेंस को फिर नीचे आया तो यहाँ इसको जो लो बनाना है बना लेगा फिर ये टच करने जाएगा यहाँ पे फिर सेल करना है हमको तो ये मौका मत छोड़ना ठीक है लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे एक लास्ट होप आपकी 1950 ये जो कैंडल ने लो बनाया है ये इसका लास्ट है अगर आप चाहो तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बाय का एग्जीक्यूट कर सकते हो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1950 का 1950 के नीचे अगर क्लोज नहीं होता है तो एक बार ये 1970 से 1980 डॉलर के बीच में आ सकता है तो यहाँ 6 डॉलर के स्टॉप लॉस के साथ मतलब 6 पॉइंट के के स्टॉप लॉस साथ आपको मैं 14 पॉइंट का और उसके बाद एक 24 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ 1970 से 1980 डॉलर तो आप चाहो तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो उन्नीस का आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे उन्नीस के नीचे बंद हो गया तो एग्जिट अदरवाइज एक, एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर अब हम आ जाते हैं यूरो जेड के ऊपर दोस्तों जो भी करेंसी पेयर के बारे में आपको पूछना है आप प्लीज चैट बॉक्स पे लिखते रहिए मैं आपको बताता यूरो यूरोडी ने जैसे हम पहले भी डिस्कस किया था सपोर्ट लेवल पे ये देखो बहुत बढ़िया है हैमर पैटर्न बनाया ऊपर गया रिट्रेसमेंट लिया वापस ऊपर जा रहा है तो जब तक अब ये लो नहीं टूटता छह का ये लो नहीं टूटता जब तक तब तक यूरो जेड आपका तेज है ये चौसठ तक भी जा सकता है आपका ध्यान रखना है चौसठ प्रतिशत तक भी आपका जा सकता है ठीक है अब आ जाओ जीबीपी जीपीवाई पे ये सर एक सौ पचपन पॉइंट अठावन जो ऊपर का रेजिस्टेंस है यहाँ तक आ सकता है जीबीपी जीपी एक सौ पचपन पॉइंट अठावन तक आपका जीबीपी जेपी आ सकता है क्योंकि इसने बुलिश तो मतलब इस है जब तक नौ के नीचे बंद नहीं होता वन के नीचे जब तक ये बंद नहीं होता तब तक जीरो यूएसडी एक बाउंस बैक दे सकता है ऊपर की तरफ अगर 900 के नीचे बंद हो गया तो ये 650 से पहले रुकने वाला नहीं है इस बात का ध्यान आप रख लेना अभी सेल पोजीशन में क्या एग्जिट हो जाए जीबीपी जेपी में सर किस रेट पे सेट का शॉर्ट कर रखा है आपने तिरपन पांच सौ तिरपन पांच सौ पे शॉर्ट कर रखा है आपने सर देखो एक बार तो आपको ये दिखाएगा ऊपर एक तक पचपन पॉइंट यहाँ तक लेकिन तिरपन उससे पहले चांसेस है तिरपन सौ भी दिखा सकता है एक डॉलर भी दिखा सकता है ठीक है ना तो आप अभी बने रहो शॉर्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं ओके थैंक्स सर ठीक है ऊपर okay, अगर देख सकते हो एक सौ तक का तब होल्ड करना पोजीशन अपनी ठीक है अगर आज अगर एक सौ चौवन बीस के ऊपर बंद हो जाता है या चौवन डॉलर के ऊपर भी बंद हो जाता है ठीक है ना तो निकल जाना बाहर नहीं तो अपने एक सौ पचपन साठ तक का दे सकते हो यहां तक देखो उससे पहले आपको मौका जरूर देगा एक सौ तिरपन डॉलर रुपया ठीक है दोस्तों सबसे सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है सबसे यह है यह कि जब आप ट्रेड लेते ट्रेड लेते हो आपको तो ले लिया ये सोच के प्रॉफिट होगा हर कोई सोच के लेता है लेकिन जब ट्रेड हमारे फेवर में नहीं चलता तब हमें समझ में नहीं आता क्या करना है इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा प्लान योर ट्रेड ट्रेड को प्लान करो यूएसडी कैड अगर इस बार दोबारा अट्ठाईसो तोड़ा तो से और तीन से पहले रुकेगा नहीं के 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 ऊपर ऊपर बंद हो गया अगर घंटे के चार्ट के अंदर इस ये वाला, 2700 का क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ से बुलिश पैटर्न बना रहा है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है आपको यूएसडी लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस का हम ट्रेड ले रहे हैं थोड़ा जल्दी कन्फर्मेशन कब मिलेगी थोड़ी लेट मिलेगी जब ये अट्ठाईसो के ऊपर बंद हो जाएगा दो घंटे के चार्ट के ऊपर तब हमें कन्फर्मेशन मिलेगी कि यहाँ से अब ये बहुत अच्छी तेजी पकड़ सकता है तो आप ये देख लो आपको अभी जल्दबाजी में ट्रेड लेनी है कन्फर्म होने के बाद ट्रेड लेनी है वो आपका डीजन है अगर अभी आप ट्रेड लोगे आपका स्टॉप लॉस बता दिया ये वाला है अट्ठाईस के ऊपर ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस तब ये वाला होगा अट्ठाईस के ऊपर अगर दो घंटे के चार्ट में बंद हो गया तो यहाँ से बहुत अच्छी तेजी आपको दिखाएगा इस बार ये ठीक है और कोई करेंसी पियर? सर पेयरजी बता दो बता के काम खत्म करते हैं <laughs> <laughs> अभी सर बताते हैं सर बिल्कुल चलो स्ट्रेटेजी बता देते हैं आपको। देखो दोस्तों हम लोगों की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है आज आपको एक नई चीज बताऊंगा है तो पुरानी चीज नई चीज तो नहीं है लेकिन थोड़ा देखने का नजरिया है पेविट पॉइंट हर कोई समझता है पेविट पॉइंट राजेश सर पेविट पॉइंट्स यस सर क्या होते हैं पेविट पॉइंट्स वो न्यूट्रल uh, पॉइंट होता है बीच वाला पॉइंट के वहीं से जो मार्केट ऊपर होता है तो बुलिस uh, हम कहते हैं और उससे नीचे होता है तो बेरिस कहता है ठीक है वेरी गुड दोस्तों एक पेविट पॉइंट होता है और ये पेविट पॉइंट कैलकुलेट होता है आपका ओपन प्राइस हाई प्राइस, प्राइस प्राइस लो और क्लोज पे कैलकुलेट होता है ठीक है ये सारे के सारे पेविट पॉइंट इसी पे कैलकुलेट होते हैं पेविट पॉइंट का मतलब है कि पिछले दिन जो ओपन हाई लो क्लोज लगाया उसके हिसाब से पेविट पॉइंट कैलकुलेट होता है ठीक है अगर पेविट पॉइंट के ऊपर यानी इसको बोलते हैं मीडियम पॉइंट मिड पॉइंट अगर अगले दिन बाजार इस मिड पॉइंट के अगर ऊपर है तो बुलिश है।, है कहां तक है पहला उसका रजिस्टेंस लेवल आर वन है दूसरा रजिस्टेंस लेवल आर टू है तीसरा रजिस्टेंस लेवल आर थ्री है जो लोग चार्ट में सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ करने में आज समर्थ है या नहीं ड्रॉ कर पाते उनके लिए एक इंडिकेटर है पेविट पॉइंट नाम का जो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को ये आपको मेनुअली रजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके देता है पेविट पॉइंट के नीचे अगर प्राइजेस है तो ये है बियरिश इसके नीचे प्राइजेस सपोर्ट कहाँ पे लेगा तो पहला सपोर्ट आप मिल जाता है फिर दूसरा सपोर्ट मिल जाता है फिर तीसरा सपोर्ट मिल जाता है अब इसमें हमारे पास तीन चार तरह के पेविट पॉइंट होते हैं एक होता है स्टैंडर्ड वाला पेविट पॉइंट एक होता है आपके पास कैमरीला वाला पेविट पॉइंट एक होता है आपके पास वुडीज पेवेट पॉइंट एक होता है आपके पास फिवोना की आपके पास डी मार्क पेविट पॉइंट तो बहुत सारे पेविट पॉइंट होते हैं हमारे लेकिन आज हम बात करेंगे कैमरीला पेविट पॉइंट के बारे में कि कैसे कैलकुलेट होता है इसकी कैलकुलेशन में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे काम कैसे करता है क्योंकि समय की कमी है आज हमारे पास थोड़ी सी तो कैमरेला पॉइंट पे आपको ट्रेड कैसे करना है कैसे लगाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ राजी सर लाइन पे बने रहना तो दोस्तों ये आपको कैसे क्या करना है आपको इंडिकेटर टाइम तो आपने दिखाया था ना अभी कैमरेला दिखा रहा हूँ सर आपको देखो नई चीज बता रहा हूँ सर बेकूफ नहीं बना रहा चिंता मत करो यहाँ पे इंडिकेटर्स में आप जाओगे यहाँ पे लिखोगे पेवेट पॉइंट फेवरेट पॉइंट जैसे आप लिखोगे दोस्तों तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला फेवर पॉइंट आ जाएगा आपका ये स्टैंडर्ड वाला अपडेटेड इसका स्क्रीन चाहो तो ले सकते हो इसको लेने के बाद आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाके यहाँ पे टाइप होगा ये टाइप इस टाइप के अंदर होगा कौन सा ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल होगा इस ट्रेडिशनल को आपको हटा के करना है कैमरेला कैमरेला करना है यहाँ पे होगा ऑटो इसको करना है डेली सेटिंग समझ में आ गई सबको यस सर ठीक है कौन से पेयर पे देखो राजेश सर जीबीपी यूएसडी सर ठीक है अब इसमें स्ट्रेटजी क्या है देखो अगर आपको सूखे सूखे डेली के 10 से 20 पे मिल जाए तो काम हो जाएगा यस yes, सर कोई दिक्कत नहीं कोई टेंशन नहीं इसमें कैसे इंक्रीज करोगे अपनी एक्यूरेसी वो भी बता देता हूँ देखो ये कैमरेला पेवेट पॉइंट है कैमरेला पेवेट पॉइंट के चार लाइन ऊपर तीन लाइन नीचे कभी चार लाइन नीचे तीन लाइन ऊपर R1, R2, S1, S2 ये सब है दिख रहा है सभी को yes, sir. अब ये जो ये इस लाइन से लेकर टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक एक रेंज है मान लो एक रेंज है ठीक है अब हमें क्या करना है हमें इस रेंज को वेट करना है कि रेंज कहा टूट रही जैसे एक, एक बार रेंज यहाँ पे टूटी और एक बार रेंज यहाँ पे टूटी तो मेरे को कैंडल कैसा चाहिए मेरे को चाहिए वर्जिन कैंडल क्या सर? Virgin Candle. Virgin Candle मेरे को. का क्या मतलब होता है यहाँ पर मतलब टच नहीं हुई वेरी गुड वेरी गुड वर्जिन कैंडल का मतलब होता है कि ऐसा कैंडल जिसने इन लाइन को टच नहीं किया हो ठीक है अगर या तो ये वर्जिन कैंडल मेरे को ऊपर मिलेगा तो मेरे को कंसिडर करना है या ये वर्जिन कैंडल मेरे को नीचे मिलेगा तो मेरे को टच करना मतलब कंसिडर करना है अब ये देखो कैसे थोड़ा सा हम चलते हैं पीछे ध्यान से ले लेते हैं देखो ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको डॉटेड लाइन ये मतलब करंट डे है ठीक है करंट डे मतलब उस दिन का एक दिन है पूरा यहां से लेकर इस डॉटेड लाइन से लेकर इस डॉटेड लाइन तक ये पूरा दिन है पूरा दिन है पूरे दिन की ट्रेडिंग है तो अब ये देखो पूरे दिन के अंदर क्या रेंज थी सर ये वाली रेंज थी यहाँ से यहाँ तक की ठीक है राजेश सर यस yes, सर इस दिन इसने क्या हुआ जब ये रेंज टूटी ये कैंडल ने रेंज तोड़ी उसके बाद हमें देखना है एक वर्जिन कैंडल तो ये अगले वाला कैंडल को मैं वर्जिन कैंडल मान लू यस yes, सर जैसे ही इस कैंडल का लो कटेगा बस आपको बैठ जाना है दस से बीस पिप जहां मिले लेके निकल जाना है आपको लो के नीचे ना लो के नीचे सपोर्ट के नीचे? So, आ, ये जो वर्जिन कैंडल है इसके लो के नीचे ऐसे तो ही चाहे S1 हो 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 या S3 हो, कभी नहीं नहीं okay. ये उसके नीचे बन रहा है मैंने खाली लिया है एस थ्री तक एक सेटिंग और बताई नहीं मैंने आपको यहाँ पे इस सेटिंग से में जाना है आपको एक चीज और करनी है आपको एस फोर आर फोर एस फाइव आर फाइव ये हटा देना है आपको ये देखो ये मैंने हटा रखे ये वाला हटा देना है, है, है आपको एस वन एस टू एस थ्री आर वन आर टू आर थ्री ये ही छह लेवल्स आपको इंक्लूडिंग पेविट पॉइंट ये सात लेवल्स आपको चार्ट में रखने हैं बाकी सारे लेवल्स हटा देने हैं आपको क्लियर है सर yes, sir. तो मेरा मानना क्या है मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि एस थ्री से लेकर आर थ्री तक का जो रेंज है ये आर थ्री लेवल है ये एस थ्री लेवल है ये जो रेंज है अगर इस पूरे दिन की रेंज के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है अगर इसको भी तोड़ के निकल रहा है बाजार तो मेरे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है ठीक okay. है और मेरे को ऐसा कैंडल देखना है जो ज्यादा फड़फड़ा रहा है जो ज्यादा परेशान है जो ज्यादा तड़प रहा है ठीक है उसको मैंने नाम दिया वर्जिन कैंडल ठीक है सर ओके okay. अब इस कैंडल के नीचे यानी इस लेवल को टच ही नहीं कर पा रहा है इसके अंदर मोमेंटम नहीं है इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने की ठीक है इसमें टाइम मिनट 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 लेना लेगा लेंगे सर जैसे ही इसका लो कटेगा मैं सेल हो जाऊंगा और जहां से मेरे को दस से बीस पिप निकलेगा मैं लेके बाहर मेरे को कुछ नहीं करना है और टेस्टिंग कराता हूँ ये देखो अब ये देखो इसमें बस्ते कैसे हैं बचते कैसे हैं सर ये देखो यहां पे सर ब्रेकआउट दिया नीचे स्कैंडल ने yes. ये है मेरी वर्जिन कैंडल इस वर्जिन कैंडल ने लो नहीं तोड़ा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे अब देखो यहाँ पे ये मेरे को बाय साइड मिली ये वर्जिन कैंडल ओके okay. इस वर्जिन कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर लिया यहाँ से मेरे को डेफिनेटली 10 से 20 पीप मिल गए मेरा काम खत्म पूरे दिन मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं है जो लोग कहते हैं ना कि अभी टाइम ही नहीं है मेरे पास बस ये देखते रहो बस दिमाग लगाना ही नहीं है ये देखो ये वर्जिन कैंडल मतलब पूरे दिन का जो रेंजिंग है उसको ऊपर या नीचे तोड़ दे उसके बाद वर्जिन कैंडल बने तो ऊपर बने तो बाय कर दो नीचे बने तो सेल यस 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 ये वर्जिन कैंडल इसके लो के नीचे ये मूवमेंट आपको 10 पिप की मिल गई होगी आराम से

मैं हर दिन दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ से लो टूटा ये यह मूवमेंट यहाँ तक मिल गया देखो तो अगर ये पहले वर्जिन कैंडल बना देता है स्टार्टिंग के मान के चलो दिन में डेढ़ दो बजे तक तो आपको शाम तक अच्छी मूवमेंट मिल जाएगी अगर ये रात को दस बजे बाद बनाएगा तो कम मूवमेंट मिलेगी दिन में बनाएगा तो बीस पे ले लेना ट्रेड रात को दस बजे बाद बनाएगा तो दस पिप लेके निकल जाना ठीक है सर ओके okay. ये देखो जी आपकी वर्जिन कैंडल वर्जिन कैंडल के बाद ये आपका नीचे ये आपको बीस पिप देगा आपको आराम से अब ये देखो इस दिन कोई ट्रेड नहीं था इस दिन ये रेंज में रहा नो ट्रेडिंग जोन नो ट्रेडिंग जोन कुछ काम ही नहीं कर रहा मजे से बैठो आराम से ये देखो ये वर्जिन कैंडल जैसे इसका हाई कटा सीधी मूवमेंट सर आपने तो जो लास्ट टाइम जो डोट डोट वाला जो पिवट पॉइंट दिखाया पर उसका पिवट पॉइंट और इसका वो पिवट पॉइंट सेम होता है या अलग होता है पिवट पॉइंट सेम रहते हैं सर कैमरीला का थोड़ा सा फर्क होगा इसकी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी सर मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेरे भी दिमाग में नहीं है अभी वो मैं आपको बता दूंगा चेक कर ये देखो ये आपका वर्जिन वर्जिन के नीचे ये देखो मूवमेंट ये देखो रात को नौ बजे बाद मिला है दस बजे के आसपास मिला है ये वर्जिन कैंडल तो इसमें कम मूवमेंट मिला है इसमें भी प्रॉफिट है लेकिन कम मिला है इसमें प्रॉफिट ये आज का दिन है और आज का दिन अभी कोई वर्जिन कैंडल नहीं बनी है अब एक चीज और एक और बता दूं सर यस सर ठीक है इसमें दोस्तों एक रिवर्सल लेवल होता है पहले बताओ राजी सर मजा आया नहीं आया इसके अंदर नहीं मजा आया सर शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है, शौर्ण शौर्ण है शौर्ण शौर्ण इसमें आप काम करोगे प्रॉफिट मिलेगा एक प्रेसन, एक प्रेसन है, मैं ये ना कैम्णी कैम्णी है? नहीं, 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 काम नहीं करेगा कैमरे लाइन बिल्कुल अब दोस्तों के अंदर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट रिवर्सल लेवल्स होते हैं थैंक यू सौरभ जी थैंक यू नरेंद्र चौहान सर एक होता है रजिस्टेंस थ्री एक होता है सपोर्ट थ्री ये एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से 99 नाइन परसेंट प्रॉबेबिलिटी होती है कि ट्रेड आपका रिवर्स होगा ही होगा तो जिन लोगों को जिन लोगों को स्कैल्पिंग करनी है उनको मैं एक और जबरदस्त स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये स्ट्रेटजी लाखों रुपए खर्च करने के बाद नहीं मिलेगी शानदार स्ट्रेटजी उन्हें बताई है ये, ये भी और जब दूसरी चीज बताने जा रहा हूं वो भी तरीका होता है नया कॉन्सेप्ट नहीं है ऑब्जर्वेशन पावर है सिर्फ ऑब्जर्वेशन पावर नथिंग एल्स भरपूर पैसा बनाओगे इन्हीं पे जिंदगी लगा दो भरपूर पैसा बनाओगे कैसे बनाओगे बताता हूं ये सर आर थ्री है राजेश सर सर yes, ये है है अब आपको क्या yes, करना sir. आप कभी भी बैठो सिस्टम पे जब भी सुबह में पांच छह बजे सात बजे ना दो के सो के पूजा पाठ करके उठते उठ उट जाओ सब लोग आराम से उठने के बाद एक सेलिंग की बिड लगा दो आप आर थ्री पे बाइंग की बिड लगा दो आप s3 पे लगा दी सर यस yes, सर वहां से वहां से जब r3 पे आप सेलिंग की बुड लगाओगे प्रॉफिट बुकिंग आप लगा दो r2 पे यहां पे प्रॉफिट बुकिंग लगा दो s2 पे लगा दी सर अब आपको मतलब एक r2, पे, r2 लगाना है नहीं 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 आप समझे नहीं आपको सेल लगाना है r3 पे r3 हाँ, ओके 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 आईएसएल हो तक को लो आर थ्री पे आपको सेल लगाना है और प्रॉफिट लगाना है आर टू पे फॉर एग्जाम्पल ये आर थ्री का लेवल है ठीक okay. okay. है मेरा छोड़ना है स्टॉप लॉस कहां लगाना है स्टॉप लॉस सिंपल okay. सा है इसमें भी लॉस कवर करके बताऊंगा दो को दस मिनट दस मिनट में फटाफट समझा रहा हूँ मैं आपको बहुत शानदार चीज बता रहा हूं यहाँ पे मान के चलो अगर आपने r3 पे यहाँ पे सेल किया यहाँ पे आपने सेल किया और यहाँ पे r2 r2 तक नहीं आया r3 पे सेल किया r2 तक नहीं आया और यहाँ पे बना दी एक वर्जिन कैंडल तो जैसे ही वर्जिन कैंडल का हाई कटेगा आप ये जो सेल वाली पोजीशन है ये एग्जिट करोगे फ्रेश बाय की ट्रेड यहाँ से ले लोगे ये आपका स्टॉप लॉस होगा वर्जिन कैंडल का हाई ठीक है सर यस yes, सर और अगर ये वर्जिन कैंडल नहीं बनी तो ये डेफिनेटली ऊपर से नीचे मार मारके आपका आर टू का लेवल अचीव करेगा यहाँ पे अगर एस थ्री पे लगाया होता आपने तो ये एस टू का लेवल अचीव कर गया दिस इज योर स्कैल्पिंग ट्रेड जो नाइनटी नाइन परसेंट आपको केसेस में मिलेगा ही मिलेगा कहीं पर भी आप देख लो ये देखो यहाँ पे एस थ्री क्या एस थ्री से एस टू पलट गया यहाँ पे आर थ्री पे बेचा आर थ्री से वापस रिवर्सल ठीक है बहुत कम होगा जब आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे बहुत कम होगा ये यह देखो यहाँ पे आया S3, थ्री वर्जिन कैंडल कोई भी नहीं बनी रिवर्सल कितनी बार रिवर्सल दिया एस थ्री से ठीक है नहीं सर ये तो मैं वो वो, वो पॉइंट में भी करता हूँ तो डेफिनेटली आपने बताया था सर ये तो ठीक है ना नहीं कैमरेला में और शानदार चीज बनेगी है। ये देख। आ, ये देखो हाँ, ये, ये, ये देखो ये देखो ये वर्जिन कैंडल बना इसका हाई नहीं कटा उससे पहले आपका टारगेट पूरा हो गया हाई पर उससे पहले टारगेट पूरा हो गया आपका ठीक है तो ये इतनी दोनों चीज़ जबरदस्त बताई बुक उसके बाद वर्जिन बना यहाँ पे ठोक दोबारा दो दो बार प्रॉफिट अगर दिमाग लगाओगे ना दो दो बार प्रॉफिट बना सकते हो आप इससे सिंपल स्ट्रेटेजी दुनिया में कोई नहीं हो सकती सही है सर इससे सिंपल चीज कोई नहीं हो सकती दुनिया के अंदर पैसा बनाने के लिए अगर इसमें भी पैसा नहीं बना रहे है तो छोड़ दो इंडस्ट्री सर आपकी चार से पांच स्ट्रेटजी ऐसी है कि उसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है और ये तो सर सबसे सिंपल है जो आज तक बताई है मैंने सही है ये तो सबसे सिंपल वाली बताई और सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मेरे को ये लगती है इस स्ट्रैटी पे अगर मैं इंडिकेटर बना के और उसको चौहान सर तो गाइज तो आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दें स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें जबरदस्त स्ट्रैटेजी है गारंटेड प्रॉफिट बनेगा आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिट ना बने इस पर थैंक यू अंकित ये स्ट्रैटेजी से आप दस परसेंट बीस परसेंट जितना चाहते हो महीना निकालो आराम से निकलेगा थैंक यू जिग्नेश भाई सारा का सारा आपका लॉस कवर होगा थैंक यू तो ये इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है मोहन भाई थैंक यू प्रवीण भाई थैंक यू थैंक यू मिस्टर एच तो गाइस ट्रेड करो यार दोस्त इस पे ट्रेड करो इस पे मैं बहुत जल्दी आपको एक रोबो भी दे दूंगा बना के थैंक यू विशाखा थैंक यू रोशन इस पे मैं एक स्ट्रेटजी आपको एक रोबो बना के दे दूंगा जो ऑटोमेटिकली बाय सेलिंग करेगा आपके लिए मजा आ जाएगा ठीक है थैंक यू दीपिका बनकर सौरभ अरोजी थैंक यू तो ठीक है राजेश सर अगली बार अपन आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा समय बिताएंगे ठीक है यस सर पहले अपन एनालिसिस कर लेंगे सब लोगों जो कर लेंगे उसके बाद मल्टी क्योंकि लोगों को यही है कि पहले क्या होगा किस लेवल पे होगा पहले उनकी तृप्ति कर देंगे अपन फिर अपन सीरियस बात कर लेंगे कुछ यस सर ठीक है ना ओके गाइस एनीथिंग एल्स कोई और क्वेरीज आप लोगों की तो पूछ सकते हो हमारे पास पांच मिनट बचे हैं थैंक यू अमित सोनी सर ये सब पे काम करेगी किसी पे भी ले लो ये, ये गोल्ड का पता नहीं भैया उसका मैंने देखा नहीं बाकी तो सब पे काम करती ये देखो यूरो का भी देखो ये आज वर्जिन कैंडल बना है ये देखो ये वर्जिन कैंडल बना है आज इसके ऊपर बाय नीचे ये, देखो, ये भी बाय में चल रहा है यूरो कल भी इसने यूरो एचडी में नहीं। यूरो एचडी में क्योंकि मूवमेंट कम होती है तो पिप कम मिलेंगे इसके अंदर ये देखो ये वर्जिन कैंडल उसके ऊपर ये शॉर्ट तो एंड में आपको कम पिप मिले लेकिन मिलते हैं वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग है अपने-अपने थैंक यू संतोष जी तो सर वाइंड अप करें आज का सेशन सर sure, सर एंड में मजा आया बहुत मजा आया सर Okay, guys, uh, thank you so much. Or we will meet again on next Monday. Till then, happy trading. Enjoy your trading. Thank you so much. <music>